तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? देख सकते हो जो कंपनी यहां पर वर्क कर रही है वो है सीगल इंडिया लिमिटेड। और यहां पर देख सकते हो ये रैंप बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये है मंडोला बिहार सामने, और तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया गया है दोस्तों। आप लोग तस्वीरें देखो, यहाँ पर ये बीच का जो साइड का क्रैश बैरियर है उस पर देखो, यहाँ पर कंक्रीट भरा गया था वो भी भर दिया जा चुका है। सारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे देखो वो वहाँ पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों, एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में मेरे प्यारे दोस्तों। अब वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से भाई को मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा, और आप लोगों के बीच में अपडेट लाने के लिए तत्पर रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो आप लोग तस्वीरें, जो इसका मेन कैरिज वे है दोस्तों वो ये है। थ्री लाइन इस साइड रहेंगी और थ्री लाइन इस साइड रहेंगी, ठीक है ना? अब देखो थ्री लाइन इस साइड में रहेंगी और थ्री लाइन इस साइड में रहेंगी। अब देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, अभी तो यहाँ बीच का डिवाइडर बनाया जाएगा, और यहाँ पर आप लोग तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से काम को किया गया है दोस्तों। ये देखें आप लोग, नहीं यार ये देखो कुछ ये है नज़ारे, आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे किस तरीके से यहाँ पर बनाया है रोड को। आप लोग देख सकते हो, तस्वीरें कंपेयर कर सकते हो। और देखो ये है पैराफिट वॉल जो लगाए जाते हैं किसके, फ्लाईओवर के ऊपर दोस्तों। और फिर इसमें कंक्रीट भरा जाता है, फिर इसके बाद में मिट्टी की लेवल कर देते हैं, ऊपर बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो यही काम चल रहा है, तस्वीरें देख सकते हो सामने। ये मंडोला बिहार परियोजना है, और इधर का तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब इधर का आप लोग देख लो, क्योंकि इधर भी ये सर्विस ले रोड बनाया जाएगा शायद, या नहीं बनाया जाएगा, बनाना तो चाहिए, क्योंकि नीचे ये एलिवेटेड सेक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पर ये एलिवेटेड नीचे दोस्तों सर्विस लेने नहीं है इसके, मतलब ऊपर से ही है। तो देखो आप लोग, क्योंकि इधर नहीं है, ठीक है ना? ये मिट्टी डाल दी है, देखो अभी तो फाइनल लेयर का काम किया जाएगा, और वहाँ पर वो थोड़ा सा रैंप का काम रह गया है तो वो किया जा रहा है। मैंने पिछली वीडियो आप लोगों को दिखाया भी था, तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। देखो दोस्तों, जब पिछली बार मैं आया था तब आप लोगों ने देखा था यहाँ तक ये गाटर लॉन्चिंग नहीं हुई थी। आज आया हूँ तो देखो सारे में ही गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा स्ट्रेच है जहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर दी है दोस्तों। एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम था वो कर लिया जा चुका है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, अब इसमें बस फ्लोर वर्क किया जाना है, और फ्लोर वर्क हो जाने के बाद में काम कम्प्लीट दोस्तों। फिर क्या, फिनिशिंग का काम बचेगा, और इसमें ब्लैक टॉप कर देंगे, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगे। तो यही काम चल रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। जैसे हम मंडोला बिहार से आगे बढ़े, दूसरे रैंप जो मैंने आपको दिखाया था उस पर, पिछली वीडियो में देखो उस पिलर पर वो वाला पिलर चमक रहा है ना, वहाँ पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही थी, और आज देखो सारे में ही गाटर लॉन्चिंग करके बिल्कुल कम्प्लीट हो चुके। देखो दोस्तों, दोनों क्रेन मशीन यही खड़ी हैं, इनसे ही ये आई गटर को उठाया जाता है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पियर कैप कंप्लीट नहीं हुए थे बनके, तो इसीलिए यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग का काम नहीं हो सका। तो अब ये देखो सेटिंग लगा कर और पियर कैप को बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, इसमें अब सरियाओं का जाल बनाया जाएगा। इसमें तो सरियाओं का जाल बना दिया है, इसको कम्प्लीट कर रहे हैं दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, तो यही चल रहा है पूरे रूट पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का जो दिल्ली सेक्शन है दोस्तों। ग्राउंड फील्ड एरिया, ब्राउन फील्ड एरिया दोस्तों, ब्राउन फील्ड एरिया वो होता है जो पुराने रोड को ही नया कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे ब्राउन फील्ड बोलते हैं, और ग्रीन फील्ड जो नया बनाया जाता है। देखो इस पर शटरिंग लगाई जा रही है फ्लोर वर्क के लिए दोस्तों। देखो इस जगह बनाया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम, देखो खुदाई कर दी जा चुकी है दोस्तों।
ये साइड में ये ड्रेनेज बनाने का काम किया जा रहा है, बीच का डिवाइडर बना दिया जा चुका है, इसमें मिट्टी भरी जाएगी और फिर पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर पहले इसका ड्रेनेज का फाउंडेशन बना रहे हैं, फिर सरियाओं का जाल बनाएंगे दोनों साइड से। देखो जैसे ये बनाया, देखो सरियाओं का जाल दोनों साइड से बना दिया ना, बना दिया। अब इसमें कंक्रीट भर देंगे दोस्तों, बस से ड्रेनेज बन जाएगा। और इसको ये देखो फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है ड्रेनेज के, और इधर तो पूरा बन के कम्प्लीट हो गया। इनमें पेड़ पौधे भी लगा दिए दोस्तों, देखो बीच के डिवाइडर में। सिक्स लाइन ऊपर हो गई, सिक्स लाइन ऊपर है और सिक्स लाइन नीचे है दोस्तों। ये 12 लाइन का ये एक्सप्रेसवे होने वाला है दोस्तों। और देखो यहाँ पर ये हाई टेंशन लाइन को ये शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो, वो टीम लगी हुई है जो कि शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बीच में अभी कुछ पिलर बचे हुए हैं गाटर लॉन्चिंग के लिए। देखो ये चल रहा है शिफ्टिंग का काम, देखो टीम बहुत लगी हुई है। और यहाँ पर इसी वजह से ये, क्योंकि हाई टेंशन लाइन के जो तार है ना वो नीचे आ रहे थे दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर इनको ऊंचा किया गया है। देखो वहाँ पर एक नया बनाया गया है, एक ये बनाया गया है। देखो एक ये हाई टेंशन लाइन के लिए टावर बनाया गया, एक ये देख सकते हो आप लोग तस्वीर। अब यहाँ पर ये पियर कैप का काम किया जा रहा है, यानी कि फाउंडेशन बनाने का। तो ये पिलर बचा हुआ था क्योंकि यह हाई टेंशन लाइन की वजह से ही बचा हुआ था। चलो एक लाइन और आ रही है दोस्तों, ये भी काफ़ी नीचे है, तो इसी वजह से यहाँ का भी ये पियर बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी काम किया जाएगा। तो पहले उस लाइन को शिफ्ट करने के बाद में, ऊंचा करने के बाद में फिर इसको किया जाएगा। देखो यहाँ पर कितनी नीची है, तो दोनों को ही किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर पियर बनाए जाएंगे, दो बनेंगे, तीन बनेंगे। और देखो यहाँ पर ये सारे में गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है दोस्तों, अब फ्लोर वर्क किया जाएगा। अभी शटरिंग भी नहीं हुई है। और इधर देखो बीच का डिवाइडर बनाया जाएगा, खुदाई तो हो चुकी है। और इधर साइडों में ये ड्रेनेज बनाया जाएगा। और चलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल तक, दिखाते हैं आप सभी को कि कितना कुछ काम कंप्लीट हो चुका है इससे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दोस्तों एलिवेटेड सेक्शन, यहाँ पर ये ड्रेनेज बनाने का काम किया जा रहा है इस जगह पे। देखो ये बनाया जा रहा है ड्रेनेज दोस्तों, और ड्रेनेज का फ्लोरिंग का काम देखो ये हुआ है। इस तरीके से ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है जो कि पानी इसमें चला जाए दोस्तों, नालियों में। रोड पर नहा रहे हैं पानी, क्यों रोड पर पानी रहता है तो रोड ख़राब हो जाती है जल्दी। देखो ये बनाया जा रहा है बीच का डिवाइडर दोस्तों, देखो सेटिंग लगा रहे हैं इसमें कंक्रीट भरने के लिए। सरियाओं को जाल तो बना लिया था इन्होंने पहले, और इधर ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है।
ये देखो ड्रेनेज का काम चल रहा है दोस्तों, ये ड्रेनेज के फ्लोर वर्क हो रहा है। और ये सीगल इंडिया का दोस्तों कंस्ट्रक्शन यार्ड है। ये हम आ चुके हैं खेकड़ा गांव में दोस्तों, देखो साइड होके ये पैराफिट वॉल भी बनाए जा रहे हैं। अब ये यहाँ के आके दोस्तों ये एलिवेटेड सेक्शन ख़त्म हो जाता है और सामने चमक रहा है ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो दोस्तों जो कि हमारे दिल्ली एनसीआर का दोस्तों गोल चक्कर है। और यहीं से चारों जगह आप लोगों को जहाँ भी जाना है इस पेरिफेरल का सहारा लेकर जिस रूट पर भी आपको जाना है जा सकते हैं दोस्तों। आप लोग बताओ आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पसंद को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पसंद के चैनल पर दोस्तों। के पसंद लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। अब ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कॉमेंट करके बताना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से। तो आप सभी इंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।